ये पटना में तीन व्यापारी को मार के गोली से मार दिया, हम वहां रो रहे हैं, हम कंधों पर लाश खेमका का ले जाकर के घाट पर जला रहे हैं। और नीतीश एक पार्टी का कुनबा जिसके घर में नहीं बनता, जो गोली चलाने के लिए खुद अपने पिता को मारने की तैयारी कर लिया हो, जो अपने पिता का ना हो वह तय करेगा पप्पू यादव की किस्मत, वह तय करेगा गठबंधन। जिस दिन ऐसे तय करना पड़ेगा उस दिन हम राजनीति छोड़ देना पसंद करेंगे, लेकिन ऐसे लोगों के साथ गठबंधन जो आदमी तय करे। मैं सवाल करता हूँ, मैं सवाल करता हूँ हर आदमी का। मैंने कांग्रेस से कह दिया जब राहुल गांधी जी हमसे बुलाए थे, एक बार नहीं दो बार, गोविंद साहब हमसे प्रशांत किशोर जी आए थे मिलने, 3.5 घंटा हमसे मेरे घर पर आकर के मिलके गए। प्रशांत किशोर जी को मैं धन्यवाद देता हूं, अच्छे आदमी हैं। उसने कहा पप्पू यादव आपके भीतर जो जिद है, जनून है और मेहनत करने की, क्या कहा उसने पटना यूनिवर्सिटी के चुनाव में, बोला पप्पू यादव जी आप गांव में क्यों हार जाते हैं और यूनिवर्सिटी में क्यों जीत जाते हैं। उसे फोन करके उसने पूछा, आपको आश्चर्य होगा, मैं अपने बुजुर्गों से कहना चाहूंगा और यहां बैठे बुजुर्गों से, ये सच है, पटना यूनिवर्सिटी और दरभंगा यूनिवर्सिटी में पप्पू भरसे से बीपी की झगड़ा लड़ाई होती है, वहां पर प्रशांत किशोर को करना पड़ता है पूरे सरकार को लगाकर, वहां सेकेंड होता है पप्पू यादव की पार्टी छात्र, वहां राजद, वहां IPF और वहां कांग्रेस चौथे नंबर पर होता है, पप्पू यादव सेकेंड पर होता है। यदि यही पप्पू यादव आज दिल्ली और बंगलोर में होता तो हम बहुत पहले अरविंद केजरीवाल से पहले मुख्यमंत्री भी और प्रधानमंत्री भी बन गए। बिहार में है जिसकी वैल्यू खत्म है, जिस बिहार में पप्पू यादव जैसे लोगों की वैल्यू की समझ ना हो वहां सोचना पड़ता है मुझे कई बार मुझे क्या करना होगा। हमसे लोगों ने कई बार कहा कि आप और रंजीत दिल्ली लगी, हम लोग आपके इतिहास बदल गए, 40% बिहारी दिल्ली आते हैं। हमसे वहां का हर जात का यूथ कहता है पप्पू यादव इतना दिल्ली में कर दीजिए तो कुछ भी बदल जाएगा। मैं आपसे पूछता हूं क्या कह, जो आदमी रात के 3 बजे सिर्फ आपके पास हो, जो आदमी रात के 2 बजे प्लेन से ट्रेन से उतरता हो पागल होकर के आपके पास चला जाए, मैं आपसे पूछता हूं क्या कह, मुझे आप बताइए। आप बेटी की शादी के लिए आते हैं आपको ना नहीं कहते, आप पति के इलाज के लिए आते हैं आपको हम ना नहीं कहते, आप चुके बचाने आते हैं हम तुरंत खड़े हो जाते हैं। उसके बाद आप हमसे पूछिए कि पप्पू यादव जायद पायद में क्या नहीं होता, हमें की करिए क्या करना चाहिए, हम आपसे पूछते।